जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आदर सकते माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमयी हो। तो चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है। बात करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला जो सप्ताह है, यानी कि 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2023 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, करियर के लिए, व्यवसाय के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और शिक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए और वीडियो के अंतिम में एक सुंदर सा उपाय भी आपको बताया जाएगा, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को आनंददायी बना सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है वह आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए 3 जुलाई से 9 जुलाई 2023 का यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो हमारा जो राशिफल होता है वह चंद्र लग्न से आधारित होता है, तो चंद्र कुंडली से आधारित राशिफल होता है। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं, यदि इस यह जो सप्ताह है 3 से लेकर 9 जुलाई 2023 का यह जो सप्ताह है, इस सप्ताह अपने समय और धन का प्रबंध करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको जो है मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह यदि आप प्रयास करें तो अपने बुद्धि बल से जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान खोजने में आप कामयाब रहेंगे अगर अपने बुद्धि बल का आप प्रयोग करते हैं। सप्ताह की जो शुरुआती हिस्सा है, तो सप्ताह की शुरुआत में आपको आर्थिक क्षेत्र में जो है, आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है और सोच समझ कर निर्णय लेकर के आपको आगे बढ़ना है। और सप्ताह का जो शुरुआती हिस्सा होगा, इस दौरान किसी भी कार्य को बिल्कुल जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, जल्दबाजी करने से आपको बचना है और वाहन सावधानी पूर्वक आपको चलाना है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो जो है चोट चपेट लगने की आशंका भी दिख रही है, तो वाहन आपको सावधानी पूर्वक इस सप्ताह चलाना है। यदि आपका जो है परिवार में किसी परिवार के किसी सदस्य के साथ अगर आपकी अनबन चल रही थी तो इस सप्ताह के मध्य जो है किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मदद से, आपके परिवार के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनकी मदद से आपकी और उनके बीच में जो गलतफहमियां हैं वह दूर हो जाएंगे। इस दौरान आप जो है अपने सहोदर भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने की भी कोशिश करेंगे, और सप्ताह का जो मध्य भाग होगा, सप्ताह के मध्य भाग में आप जो है करियर और कारोबार को लेकर के नई नई योजनाएं भी बना सकते हैं, नई नई योजनाओं पे आप काम कर सकते हैं। जो लोग जो लंबे समय से वृषभ राशि के जातक बेरोजगार चल रहे हैं, उन्हें जो है इस सप्ताह मनचाहा काम भी मिल सकता है। आपकी जो मनचाहा जो काम है वह आपको इस समय इस सप्ताह जो है प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जो व्यवसाय कर रहे हैं वृषभ राशि के जातक, तो व्यवसाय जो व्यापार करते हैं वृषभ राशि के जातक, तो व्यवसाय के सिलसिले में आपको जो है लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है और यात्रा जो आप करोगे वह सुखद भी रहेंगे और उस यात्रा में आपके नए संपर्क भी बढ़ेंगे। नए संपर्क बढ़ाने में आप जो है कामयाब होते हुए दिख रहे हैं और जिनका भविष्य में आपको लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है, भविष्य में आपको जो है उनका जो नए संपर्क आपके बने हैं उनका लाभ आपको जरूर होगा। सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग है, इस उत्तरार्ध भाग में जो है भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना आपका पूरा हो सकता है। जो भूमि भवन के क्रय विक्रय का आप सपना था आपका, वह आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में जो आ रही अड़चने थी वह अड़चने भी आपके दूर होते हुए दिख रही है। जो पैतृक संपत्ति में आपके कुछ विवाद हो रहे थे, अड़चने आ रही थी, तो वह आपके इस सप्ताह जो है दूर होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं प्रेम संबंध के।
तो प्रेम संबंध जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह 3 से 9 जुलाई के मध्य आपके प्रेम संबंध जो है मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, और जो जो लव पार्टनर है आपका, अपने लव पार्टनर के साथ आप जो है हंसी खुशी के साथ में समय बिताने का अवसर आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अपने लव पार्टनर के साथ आप जो है इस सप्ताह अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जिनका विवाह हो चुका है तो उनका जो है वैवाहिक जीवन इस सप्ताह जो है वृषभ राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन जो है सुखमय बना रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस सप्ताह जो है वृषभ राशि के जातकों को क्या उपाय करना है जिससे यह जो सप्ताह है आपके लिए आनंददायी हो और आपका यह सप्ताह जो है आनंद से व्यतीत हो। तो आपको इस सप्ताह उपाय क्या करना है कि प्रतिदिन भगवान शंकर को आपको जल समर्पित करना है और जल चढ़ा करके भगवान शंकर की आपको साधना करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का या ओम नमः शिवाय मंत्र या मां मृत्युंजय या मृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से आपको प्रतिदिन 108 की संख्या में जाप करना है। तो यह उपाय अगर आप करेंगे तो आपके सारे जो काम हैं वह परिपूर्ण होंगे और आपको इस सप्ताह लाभ की प्राप्ति होगी। यह सप्ताह आपका आनंददायी व्यतीत होगा। तो यह छोटा सा और सटीक सा उपाय आपको जरूर करना है। तो पुनः आज का वीडियो यहीं पे करेंगे समाप्त। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, शंभो।